इतना सब कुछ होने के बाद इस बार भी कपिल शर्मा ने अपने शो का शूट कैंसिल कर दिया है। कपिल शर्मा कई सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों ने उनके कमबैक शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा को पसंद नहीं किया, तो वहीं वो एक पत्रकार को ट्विटर पर गालियां देकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। कपिल शर्मा के डिप्रेशन में होने की खबरें बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन लगता है वो अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं हो पाए हैं। तभी तो इन तमाम विवादों के बीच उन्होंने अपने नए शो की शूटिंग भी कई बार कैंसिल कर दी। यानी इस हफ्ते भी आपको कपिल शर्मा के पुराने शो का ही एपिसोड देखने मिलेगा। यही नहीं बल्कि अब ये खबरें आ रही हैं कि कपिल शर्मा के नए शो का हिस्सा बनी नेहा पेनसे ने भी ये शो छोड़ दिया है। जी हाँ, और खबरें ये हैं कि वो एंटरटेनमेंट की रात की शूटिंग कर रही हैं। कपिल के मामले पर बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें दोषी बता रहे हैं। हाल में ही इस मामले पर उनके कट्टर प्रतिद्वंदी कृष्णा अभिषेक ने बात की है। उन्होंने हाल में ही एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा के इस हालत पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि कपिल शर्मा ने अपनी फिल्म फिरंगी पर बहुत ही पैसा लगाया था, लेकिन उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई, जिस वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। यही नहीं बल्कि उन्होंने टीवी पर काफी समय बाद वापसी की और उनके नए शो फैमिली टाइम विद कपिल को भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कृष्णा अभिषेक का कहना है कि कपिल शर्मा शराब तो पीते हैं, लेकिन उन्हें ड्रग्स की लत नहीं है। यही नहीं, जब भी कृष्णा अभिषेक ड्रामा कंपनी में कपिल पर कोई जोक क्रैक करने की कोशिश करते थे, तो कपिल शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोन उन्हें रोक दिया करती थी। हालांकि कभी भी प्रीति ने कपिल के बारे में कृष्णा अभिषेक को नहीं बताया था। आपको बता दें, इन सब की शुरुआत तब हुई जब कपिल शर्मा एक के बाद एक कई सारे शो कैंसिल करते रहे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कपिल शर्मा ऐसी खबरों को लेकर न्यूज में बने हों। अगर आपको याद दिलाएं तो उनका पिछला शो द कपिल शर्मा शो भी आए दिन शूटिंग कैंसिल होने की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में छाया हुआ था। फिलहाल कपिल शर्मा फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके नए शो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के साथ अपना शो कैंसिल किया था। कपिल के पहले एपिसोड की शूटिंग अजय देवगन ने की थी और दूसरे एपिसोड के लिए दिशा और टाइगर आने वाले थे, लेकिन कपिल ने अचानक ही एन मौके पर ये शूटिंग कैंसिल कर दी। लेकिन चैनल के अधिकारियों का कहना था कि सेट पर टेक्निकल परेशानियों की वजह से उन्हें शूट कैंसिल करना पड़ा। हालांकि बात तब ज्यादा बढ़ गई जब कपिल शर्मा के शो पर रानी मुखर्जी को शूट करना था और कपिल ने वो भी कैंसिल कर दिया। एक के बाद एक शूट कैंसिल हुए तो मीडिया में खबरें बढ़ी और अब कपिल शर्मा के शो के कैंसिल होने का सिलसिला शुरू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब कीजिए।